Hey guys, हम हैं आप सबकी फेवरेट मनीषा रानी और आज हम आए हैं मिस्टर फैजू के शो में आप सबको एंटरटेन करने के लिए, मस्ती मजाक करने के लिए, आग लगाने के लिए और मिस्टर फैजू के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, ढेर सारी बातें हो गया। शो मेरा है, इंट्रो तुमको नहीं देना है। चलो शो में हम भी तो आए हैं, तो आपका कैसे हो गया 50-50 ना? गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, ठीक है बैठ रहे। कभी तुम्हें ऐसा लगा तुम शो में थोड़ा ओवरशैडो हुई? अब दुष्ट लोग एक अच्छे इंसान को कैसे पसंद कर सकते हैं? एल्विस यादव तारीफ करना है ना? हाँ। तो तुमने सच में उसको प्रपोज किया था? बिग बॉस से पहले की जर्नी और बिग बॉस के बाद का लाइफस्टाइल कैसा है? वो तो आप मेरे सैंडल से लेकर टॉप तक देख सकते हो। कोई ऐसा जगह है जहाँ पे कोई नहीं रहता, सिर्फ हम आप? मेरे को वो लाइन ना बहुत खराब लगा था, क्योंकि आप बोलता ना चाहे लड़की हो या लड़का के बारे में कि तू, तो वो ना एकदम कैरेक्टर पे बात चल जाता था। Hey guys, what's up? मनीषा रानी। मनीषा रानी कैसी हो तुम? मस्त हीरोइन। हीरोइन। मैं अपनी फेवरेट हूँ। कैसा लग रहा है लॉन्ग ड्राइव विद फैसू में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है। और आज का वेदर भी बहुत मस्त सुहाना, मेरा फेवरेट है। मेरे लिए थोड़ा सा वेदर लॉस है, पता है क्यों? लाइट कम। हाँ यार क्या बात है, मतलब कंटेंट क्रिएशन के जोन में पूरी आ चुकी हूँ। प्यारी समझ गई। नहीं ये सब चीज हम घर में बोल देते यार, आज तो मेरा फेवरेट वेदर किया लेकिन लाइट कम होगा। मेरे को तो लगा था आप नीचे से लाइट मार दीजिएगा, मतलब वो वाला लाइट जो होगा ना, पर एक रख लेते ना हम लोग वो वाला। रख लेते ठीक है। कम से कम मेरी तरफ मार देते ना, वो भी पिंक वाला, पिंक से और ज्यादा चेहरा खिल जाता है। क्या बात है, और मैं भी पिंक मार लेता। आप तो ऐसे चिकने घोड़े तो तारीख कितनी औसम है यार। मनीषा मेरे शो के ना कुछ सेगमेंट है वो है फोन त्यागना सेगमेंट, जिसमें क्या होगा पता है, आप अपने फोन को त्याग दोगी। लो तो लो फोन दे दो मेरे को। पर इतने देर में मेरे चाहने वाले को कुछ हो गया तो कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मनीषा रानी एक घंटे से इनका फोन देखो, ये मेरा फोन ठीक है, अब हम दोनों ना इस फोन को यहाँ रख देंगे। अगर आपने फोन को हाथ लगाया तो आपको मिलेगी पनिशमेंट, मैंने फोन को हाथ लगाया तो मुझे मिलेगी पनिशमेंट, ठीक है? सही है, चलो ठीक है डन। ये तो बहुत महंगा सौदा है, आपको इसको भर भर भरपाई करना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल बताओ जरा क्या पनिशमेंट? फॉर एग्जांपल कभी इन फ्यूचर कुछ होगा तो आपसे भी करवाएंगे, कर लीजिएगा। अरे यार बस क्या यार, मनीषा छोटी बात कर दी तुमने, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। चलो ये एक सेगमेंट है टॉक ऑफ द टाउन, जिसमें आपको बताना है कुछ सोशल मीडिया के बारे में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम जो ये नेगेटिव हेटरेट है, कोई हेट देता है या कुछ बोलता है मनीषा रानी तो ऐसी है तो वैसी, तुम उसको किस तरीके से मैनेज करती हो? मेरा ऐसे मानना है और हमेशा से हम फील करते हैं कि अगर हम लोग जब सोशल मीडिया में आ जाते हैं, मतलब खुल के अपना जिंदगी रख दिए, सब कुछ बता दिए, इतना भाई है बाप है ऐसा है वैसा सब कुछ जब बोल दिए, तो अब तो है क्या ना जिंदगी खुली किताब की तरह हो गई। अगर 90% लोग मुझे समझ रहे कि मनीषा इतनी अच्छी है प्यारी है बोलिए, तो 10% तो मतलब दुष्ट लोग भी तो दुनिया में है ना। हाँ, तो अब दुष्ट लोग एक अच्छे इंसान को कैसे पसंद कर सकते हैं? तो मेरा ये मानना है कि अगर दुष्ट इंसान अच्छे इंसान को कैसे प्यार कर सकता है? सही बात है, बात तो सही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें 90% लोग प्यार कर रहे हैं तो 10% गाली भी देंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। अभी हम बताते हैं आपको अपना स्टोरी, जब से बिग बॉस से निकले थे हम, तब से सिर्फ प्यार 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 हर जगह मेरे को बहुत, बट एक दो जगह ना एक दो बार मेरे को ऐसा सुनने मिला, जैसे हम बिहारी वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोग ऐसे आके बोल देते हैं कि क्रिंज वीडियो या फिर टिकटॉकर ये वो जो भी ऐसे करके बोल देते हैं। फिर मेरे को एक दिन ना पूरा हम रात भर ऐसे सोचते रहे वो नेगेटिव कमेंट को लेके, फिर हमको लगा यार मेरा तो काम ही है पॉजिटिविटी फैलाना, तो अगर हम नेगेटिव चीजों पे ध्यान देंगे तो फिर इसलिए जो जो बोलता है बोलने दो, अगर आपको पता है कि आप अच्छा कर रहे हो तो फिर हटाओ नेगेटिव चीजों पे ध्यान दो। और हमको लगता है वो जो 10% दे रहे हैं ना वो फेक आईडी वही है जो गुपचुप बेचने का, जिसके पास पैसा नहीं वही लोग बैठे हैं, तो जो दूसरों को ऐसा ज्ञान देंगे तो वो क्या ही उखाड़ेंगे, तो इसलिए अपने काम पे फोकस कीजिए। शाबाश बेटा, सही बोले ना, एकदम सही बात बोली और बहुत ऑनेस्ट रिप्लाई की हो तुमने। हाँ। तुम्हारा ये जर्नी तो टेलीविजन का अलग है ठीक है, बट मैंने देखा हो कि तुम अपने जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है तुम्हारा, जो इंस्टाग्राम वगैरह है, उस पे तुम अपने रियल कंटेंट बनाया, मतलब खुद की आवाज में, खुद के एक्सेंट में, जो लैंग्वेज में तुम अभी बोलती भी हो कभी कभी, तुम्हें कब लगा कि तुम फेमस हो गई उस पे? तो वैसे ही जब टिकटॉक आया था स्टार्टिंग में, तो हम वीडियो बनाए 7-8 महीने नॉर्मल वही साउंड पे गाने वाने पे, फिर एक दिन अब अपने मन से ही कुछ बोल दिए और दूसरे दिन उस पर 10 मिलियन व्यूज, फिर कुछ दिन बाद और सेलेब्स लोग भी उस पर बनाने लगे थे वीडियो। और मेरे को अभी भी याद है कि मेरे मोहल्ले में, हम बिहार में रहते थे और छत पे ऐसे बनाते थे, नहीं होता
पर्दा वर्दा लगा के ब्लैक कपड़े। तो एक दिन गए, बोले आंटी देखिए ना ये क्या टिकटॉक मस्त चीज, इससे सब वायरल हो जाता है, फेमस हो जाता है, पता नहीं हम कब होंगे। तो दो दिन बाद ना जब वो मेरा वीडियो वायरल ना, वो छत से मेरे को बोलती है, अरे हेलो हो गई तुम भी वायरल, हो गई वायरल। तो मेरे को उस दिन ऐसा फील हुआ। फिर कंटिन्यू हम 4-5 महीने 8 महीने खुद के वॉइस पे बनाते गए, फिर मेरे 1,00,000 से 4 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। 1,00,000 से 4 मिलियन हो गए? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 6 महीने 8 महीने मेरा मैं बोला यार एक कंटेंट में हो गया, नहीं नहीं बता दो उसको ही रिक्रिएट कर लेता हूँ मैं भी। अरे रुको जरा सबर करो। बिग बॉस से पहले की जर्नी और बिग बॉस के बाद का लाइफस्टाइल कैसा है वो तो आप मेरे सैंडल से लेकर टॉप तक देख सकते हो। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पूरा मस्त चकाचक हो गया। मतलब मुझे अभी भी याद है जब बिग बॉस में हम जा रहे थे, मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरा जो जिम ट्रेनर है वो मेरा फ्रेंड भी है, ऐसे नॉर्मल। मैंने ये सुना, सच्ची बात बताओ, एकदम ऑनेस्ट रिप्लाई, मैंने ये सुना कि तुमने बहुत पापड़ बेले बिग बॉस के ऑडिशन के लिए, ये सच है? हाँ, सच बात मतलब है? 2-3 साल से ट्राई कर रहे थे हम। मतलब ट्राई किया, मेरे पास वो मतलब ये पैशन था तुम्हारे अंदर कि मैं बिग बॉस के कोई गॉड फादर गॉड मदर कुछ नहीं है, और हमको लगता था यार मेरे को फेमस होना कुछ करना है, और हम क्या कर रहे हैं, एक्टिंग सीखे नहीं, डांस सीखे नहीं, ऑडिशन दे नहीं पाएंगे, तो क्या करे जो हम जल्दी फेमस हो जाए। बोले बिग बॉस ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक होता है दिल से फील होता है कि वो ओरिजिनल लोगों को पसंद करते हैं, जो रियल लाइफ में मस्त रहते हैं। तो मेरे को हमेशा से लगे यार मेरे को ना जो मेरा लाइफ चेंज कर सकता है वो बिग बॉस ही है। और तुम्हें लोगों ने बहुत पसंद किया, कभी तुम्हें ऐसा लगा तुम शो में थोड़ा ओवरशैडो हुई? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में वो सारा क्वालिटी था, बट कभी कभी अभी जैसे लास्ट दो लोग थे, मतलब अभिषेक और एल्विश, तो वो लोग का फैन वॉर्स इतना ज्यादा होने लगा था। और एक होता है ना कि उसमें तुम गायब हो चुके थे, हरामी हो मतलब एक होता ना कि लड़के लड़के में हो जाता, अरे हम तो अपने भाई को जिताएंगे हम तो बट मुझे अभी भी याद है कि कोई भी विनर हो, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट अभी भी जो फेवरेट का नाम आता है सब बोलते हैं मनीषा इज माय फेवरेट। सही बात है। तो मेरे को लगता है ना, और हम बिग बॉस के अंदर भी गए थे तो मेरा पहला इंटेंशन यही था कि मुझे ट्रॉफी नहीं, मुझे लोगों का दिल जीतना, अगर लोगों का दिल जीती है तो वही मेरे लिए ट्रॉफी है। सेम लाइन मैंने भी बोला था खतरों में, मैंने भी यही बोला था कि यार मेरे को लोगों का दिल जीतना, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम ट्रॉफी जीती है इन केस, बट फिर भी हम लोगों के दिल में वो जगह नहीं बना पाए और लोग हमको इतना पसंद नहीं कर रहे, तो शायद फिर भी हम उस ट्रॉफी से इतना ज्यादा खुश नहीं होते कि यार हम जीत लिए, बट एक्चुअल तो हम दिल जीते ही नहीं, इतना ज्यादा मेरे को इंडिया प्यार कर रहा, तो यही मेरे लिए जीत है। आप लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हो और क्या जीत। क्या बात है। अच्छा हम पहली बार कब मिले थे? दो बार मिले शायद हम आपसे। नहीं आपको नहीं याद है? मुझे याद है, मुझे याद है। अच्छा हम दो बार मिले। हाँ, उस टाइम शायद हम ज्यादा भीड़ में थे शायद इसलिए आप नहीं पहचाने, वरना हम दो बार मिल चुके। कहाँ पे? सबसे पहले तो आप बताइए कहाँ मिले थे। मुझे याद है हम आईफा में मिले थे। हाँ, मैं समोसा खा रहा था। हाँ, और उसके कैंटीन के सामने ही मैं, तुम अपने ग्रुप लोगों के साथ में खड़ी थी, तो हम वहाँ मिले थे। मुझे भी याद है, और शायद हम किसी को बोले भी थे उस टाइम कि यार फैजू है, फैजू है, जलवा है हमारा, हमको भी एक फोटो दिलवाओ। बिग बॉस की जो अपॉर्चुनिटी है वो कैसे आई तुमको? आई नहीं, हम लाए। तुम लाए? हाँ, तुम लाए। हम 3 साल से अपना ऑडिशन वीडियो बना के रखे थे, जबकि बिग बॉस ऑडिशन वीडियो मांगते भी नहीं, क्योंकि बिग बॉस का तो अलग ही है ना कि वो लोग कॉमनर्स को तो लेते नहीं, उन लोग को खुद में लगता है कि जो थोड़ा बहुत फेमस है या फिर इंटरेस्टिंग बंदा है तो उनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं, बहुत सारा 4-5 राउंड होता है। हम यही बोले थे बिग बॉस नमस्ते, हमें मनीषा रानी, हमारी मस्ते कहानी, हम बिहार के एक छोटे से टाउन की हसीना जिसको देख के अच्छे अच्छे लोगों के निकल जाते हैं पसीना, मेरा गाँव है छोटा लेकिन सपने हैं बड़े, क्योंकि मेरा हमें सबसे हट गया बिग बॉस में ले लीजिए, आँख लगा देंगे, मार करा देंगे, जब ऐसे पूरा 1.5 मिनट का बना दिए थे वीडियो, बहुत अच्छी बात है। तो और वो ये वीडियो 3 साल से जो भी मेरे कांटेक्ट में सब बोले जिसने कलर्स वाले तक पहुंचा दीजिए ना, उनको बोली ना एक लड़की है जो बिग बॉस में आग लगा देगी ये वो, तो धीरे धीरे होता ना कि मेरा एफर्ट काम आया, तो वो पिछले साल ही वाइल्ड कार्ड में सीजन 16 में मुझे बुला रहे थे, फिर कुछ कुछ हुआ वो फिर नहीं हुआ, फिर इस बार उन्होंने सामने से कॉल किया, मतलब मेरा वीडियो उनके पास होगा, तो उन्होंने फिर ऑफिस बुलाया, फिर वहाँ पे 7-8 लोग थे ऑडिशन, मतलब सबसे पूछे कि क्या करते नहीं, तो मेरे मन में जो था हम सब बक दिए, तो उसके बाद फिर वो लोग सब सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि अगर आप नोटिस कीजिएगा तो शायद ये बिग बॉस के पूरे हिस्ट्री में आई एम द फर्स्ट इन्फ्लुएंसर जो गए हैं बिग बॉस में, वो भी कि ऐसा नहीं कि हम बहुत बहुत हाई लेवल वाले इन्फ्लुएंसर, मतलब ठीक है ठीक था, तो उस पर भी हम गए, तो ये भी एक बड़ी बात है। और तुमने एक जगह बोली भी थी कि मनीषा रानी जो करती है वो डंके की चोट पे करती है, मतलब मेरा ऐसा ना दो पर्सनैलिटी, एक तो क्यूट
मस्त फ्लर्टिंग वाला जो बिंदास रहती है और दूसरा जो किसी के बाप से नहीं डरती, मतलब अगर बात अपने पे आ जाएगा तो अरे तुम कौन हो जाओ बेटा। वरना तेरे को डर नहीं लगता? तुम्हें क्या लगता है मैं बिग बॉस जाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा? देखिए जीतने का बात नहीं, बट अगर मुझे आप अच्छे इंसान लगते हो, हम आपको पहले भी बोले ना कि लाइक ऑफ कैमरा भी बोले कि हम आपको पर्सनली इतना नहीं जानते, लेकिन जहाँ तक सुने हैं कि आप दिल के अच्छे हैं, तो मेरा तो ये मानना है जो दिल से अच्छा और दिल से सच्चा होता है जनता उसको प्यार करती है। ये बढ़िया था गुरु। ओह यस। तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है? सोनू सूद। सोनू सूद मेरे को लाइफ में ऐसे करने का कोई बोलता नहीं कि तुम क्या करना चाहती हो, तो हम सोनू सूद को जैसे जहाँ तक जानते हैं, मैंने देखा है तुम्हारा वीडियो भी, तो मेरे को ना ऐसा लगता है ना कि लाइफ में जैसे कोई बोलता है, अभी हम बिग बॉस से निकले तो एक बार कुछ मेरे पे क्वेश्चन उठ गया था कि हीरोइन मटेरियल समथिंग कुछ ऐसा, तो आज तक मेरे जो फैंस जो मुझे प्यार करते हैं वो आज तक मेरे कॉमेंट में लिखते हैं कि मनीषा इज द रियल हीरोइन मटेरियल। बड़ी अच्छी बात कही आप। अभिषेक, मनीषा, एल्विश, ये तीनों का क्या इक्वेशन है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बिग बॉस के अंदर ही था ना, अभी तो बाहर, तो अभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि हम तीनों साथ मिले। कभी सोचा था कि सलमान सर के साथ में स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलेगा? तुम्हारे लिए तो ये ड्रीम कम ट्रू था, तो तुमने कभी सोचा था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? यही तो मेरा सपना था, मतलब सलमान सर मेरे बचपन से फेवरेट रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये बिग बॉस जो है ना उनके वजह से भी मेरा ड्रीम था, बट मेरे को लगता था कि सलमान सर से मिलने का मौका मिलेगा, तो ये मेरे ड्रीम में हमेशा फिट था कि सबसे पहले, मतलब जब हम फर्स्ट टाइम स्टेज पे गए थे ना, वो 4-5 साल से हम ऐसे मैनिफेस्ट करते थे, मतलब इमेजिन कि हम स्टेज पे गए ऐसे बकबक कर रहे हैं, तो ये सब मेरा एक्चुअल में ड्रीम था। और कितनी बार हम, और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, इस साल हम भगवान के सामने ना ऐसे प्रण ले लिए थे कि अगर इस साल मेरा बिग बॉस में नहीं होता मुंबई छोड़ देंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देखो मैंने ना लाइफ में कभी एक्टिंग वैक्टिंग सीखा नहीं, एक होता ना, तो अब भी हम सोचे कि जब सीखने का टाइम था तो पैसा नहीं था, और अब जब पैसा है तो टाइम नहीं है, बट मैनेज तो कर रहा है। तुम इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती हो? बिंदास कुछ भी बोल देती हो तुम। तो यही तो हमको आता है, और आता क्या हमको? और मेरे को फॉरेनर से बात करने में इसलिए अच्छा लगता है कि मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है बोलना, और खास करके जो बोलता है ना, सबसे पहले हम कन्वे, मतलब मेरा अगर लड़का में इन फ्यूचर कभी कोई हुआ तो सबसे पहला क्वालिटी देखेंगे कि उसको इंग्लिश आता है कि नहीं, क्योंकि मेरे को ना इंग्लिश सुनते वो वाला मूवी नहीं है मनवाल आगे में, जैसे दीपिका पादुकोण हो जाते हैं, इंग्लिश बोलता है यार, तो मेरे को ना वो इंग्लिश बोलने वाला ना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को इतना अच्छा नहीं आता, अगर ये बोल रहा है तो क्या सही है ना, दोस्त लोग में इंप्रेशन भी जम जाएगा मेरा बॉयफ्रेंड इंग्लिश बोलता। This is business. तो मेरे पास में ना ये बोल है, ये बोल के अंदर कुछ चीट्स है जिनमें नाम लिखा हुआ है कुछ लोगों का जो तुम बहुत अच्छे से उन्हें जानती हो, तो इसमें से जिसका भी नाम आएगा उसके बारे में कोई एक अच्छी क्वालिटी बताना उसकी, और एक जो क्वालिटी जो वो इम्प्रूव करे। ओके ठीक है, स्टार्ट। अभिषेक मलान, ये भगवान सबसे पहले दिखा। अभिषेक मलान दिखा दो जरा ऑडियंस को भी। अभिषेक मलान गाइस। इसकी अच्छी क्वालिटी कि ये सबको रिस्पेक्ट बहुत करता है, जो भी हो सबको प्यार करता है, अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान है। और एक क्वालिटी जो इसको इम्प्रूव करना चाहिए, दूसरा से काम बहुत करवाता है। बिग बॉस में हमसे बहुत खाना बनवाया ये। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वैसे हम मन से भी बनाते थे इसके लिए, बट बहुत लेजी है, थोड़ा एक्टिव होना चाहिए और काम करना चाहिए उठ के, और पेट थोड़ा इसका निकल गया तो उसको कम भी करना चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। अभिषेक भाई आप अपने पेट को इम्प्रूव करो। नेक्स्ट। मनीषा रानी, आए आपका पूरा ये पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा, फिर तारीफ सुनाएंगे, चलेगा पूरा ब्रिज तक का, तुम अपने बारे में बताओ। #OnePiece, दिल की अच्छी प्यारी भोली मासूम इंटरटेनर, इससे अच्छा तो दुनिया में कोई लड़की देखे नहीं, भगवान एक पीस बनाया उसके बाद जिस हाथ से बनाया फिर वो बोला इस मशीन से दोबारा कोई इंसान बनेगा नहीं बनेगा, फर्स्ट क्लास बिंदास, बहुत प्यारी, बहुत टैलेंटेड, सर्व गुण संपन्न, ऊपर से नीचे कयामत, बस। और इंप्रूव बताओ। एक चीज, पेशेंस कम है मेरे अंदर, बक बक बहुत ज्यादा करते हैं जो अच्छी बात है, बट कभी कभी सुन लेना भी चाहिए, ये लगता है, बाकी तो हम फर्स्ट क्लास है सब चीज में। हाँ, और कुछ मेरे में नहीं है। निकाले ना, निकालो। पूजा भट्ट। पूजा भट्ट, बताओ। पूजा भट्ट, इनके अंदर बहुत ही डिसिप्लिन है, सही चीज मेरे को लगता है, और साफ सुथरा मस्त अच्छे से रहती है। चलो नेक्स्ट। एल्विस यादव, तारीफ करना है ना? हाँ। oh, no. समझ रहे हो? समझ रहे हो? बिंदास
इंसान है और मेरा मानना है कि हम बिहारी हैं, तो कभी भी इस चीज में प्राउड की हमेशा बिहारी होने पे, और यही चीज मेरे को आगे लेके गया हूँ। और जैसे एल्विस भी हरियाणवी है, तो ये हमेशा अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने फैमिली को, हर चीज़ को जो है वो दिखाता है। तो और कहीं ना कहीं ये यही चीज़ लोगों को बहुत पसंद आता है, और शायद एल्विस का फैन फॉलोइंग भी इसीलिए इतना तगड़ा है। चलो मनीषा, मेरे पास में कुछ वायरल शॉट्स है जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा नहीं, इसका सिर्फ तुम आवाज़ सुनोगी। ओके। और तुम्हें रिएक्ट करना पड़ेगा उस पर, और तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो सिचुएशन क्या थी। प्लीज अपनी ड्यूटी करिए। वही कर रहे हैं। वेरी गुड, मुझे पसंद नहीं कैप्टन लोग टाइम खोटी करें। सुनो ना, चल। कैप्टन एक लीडर होता है जिसको अपनी चीजें सबसे ज्यादा मेंटेन करके रखनी होती है। प्लीज डोंट टॉक टू मी भोरे भोर। देखो, कैप्टन ये चीजें नहीं कर सकता। बताओ। ये था जब हम कैप्टन बने थे, और जब हम कैप्टन बने थे तो पूरा घर चढ़ा हुआ था, यार मनीषा कैप्टन बनी थी। खुदा ना कि वो पहले से उसमें था कि यार कि कुछ ना कुछ तो एक होता ना, जब लोग बनते तो उसपे नुक्स निकालना है कि क्या है नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो अब मे बी अभिषेक तो हमेशा मेरे फेवर में ही बोलता था बिग बॉस में, बट शायद उस टाइम ऐसा था कि वो एरिया हम अब कैप्टन है, तो एक होता ना शायद हम अपना बेड, अपना वाला एरिया साफ नहीं किए होंगे, तो उस पे वो मेरे को उस टाइम सुना रहा था, वो भी सुबह ही। और मेरा ये था ही कि एक होता ना उठते ही ब्रश करके कुछ हम करने वाले थे, कॉफी पीने के बाद वो करने वाले थे, लेकिन वो कॉफी पीने के बाद ही तुरंत बोलता कि जाके बेड ठीक करो, तो मेरा दिमाग गर्मा गया था कि अरे यार पानी तो पीने दो, अभी ब्रश करके आए हैं, शौचालय भी नहीं गए, ये लोग सुबह सुबह ऐसे सुनाने लगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो यही सिचुएशन था। चलो नेक्स्ट। फ्लर्टिंग तो डंडी की चोट पे करते हैं, अगर आपको भी कोई पसंद है तो बोल सकते हैं, इसमें टेंशन का क्या बात है। सोचेंगे इस पे हम। जितनी फ्लर्टिंग मैंने अपनी जिंदगी में की ना मेरी जान, फ्लर्टिंग जाके हवा में घूमने गई, वो फ्लर्टिंग जाके सही निशाने पे हमेशा पड़ी। और हम लाइक मनीषा गांधी। ये था कोई टास्क हम लोगों को मिला था कुछ, कोई तो उसमें से जिया का कुछ ऐसा सीन चल रहा था जो घर में वो क्लियर नहीं कर रही थी मे बी कि वो अभिषेक को पसंद करती नहीं करती है, तो उसमें हम जिया को एडवाइस दे रहे थे कि अरे तू करती तो डंके की चोट में बोलना, हम तो यहाँ खुले में कर रहे हैं फ्लर्टिंग, तो तुम क्यों डर रही हो। तो पूजा दीदी हाँ मुझे आके बोल रही थी, अरे सुन तू जो करती है ना मेरे को मत समझा, जो बादल गरजते वो बरसते नहीं। तो उनका वो मुझे कहना था कि तुम सिर्फ बक बक करती हो, तुमसे रियल लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। बस हवा निकल गई। वो तो क्या था ना, एल्विश के साथ हमेशा मस्ती मजाक फ्लर्टिंग करते रहते थे। मेरा ना वन लाइनर बोलिए कुछ भी, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन करेगा तो मेरा जवाब ऐसी मुंह से, तो वो कुछ बोला तुझे क्या चाहिए बोल, आई लव यू, तू चाहती क्या मुझसे, मैं प्यार करती हूँ। तो एक होता ना वो मेरा मस्ती मजाक में इतना ज्यादा हेल्दी की बाहर पेल्दी हो गई। तो वो वही था कि वो बोलता था और मेरे को, और ना एल्विस ऐसा कैरेक्टर था, समझो अभी आप लड़के हो, नॉर्मली नॉर्मल लाइफ में जनरल लड़का लड़की को छेड़ता है या फिर मस्ती मजाक करता है, लड़की भाव खाती है, बट ही वॉज द पर्सन की अगर आप उसको ऐसे करो तो मतलब समझ रहे, वो ऐसे करेगा कि मेरे को करंट लग गया, अरे यार प्लीज ऐसे। तो मेरे को लगा था यार ये तो लड़का बड़ा बिंदास, इसको छू दे उसको करंट लग गया, तो मेरे को ना फिर उससे ये सब बात करने में मजा आने लगा। और मेरे को खुद में भी ऐसा लगा कि यार जब मुझे इतना एंटरटेन हो रहा है तो लोगों को भी अच्छा ही लगेगा ना, तो नॉट इन दैट वे, पर मस्ती मजाक तो कर ही सकते हैं। और बिग बॉस में ये सब तो कंटेंट है ना, यही सब तो कंटेंट है। चलो लास्ट। जब बेबिका से मेरा फाइट, मतलब किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो वो फिर ये कुछ एक लाइन बोल दी थी कि वही मर्द को देखे फिसल जाती हो। मेरे को वो लाइन ना बहुत खराब लगा था, क्योंकि आप एक नेशनल टेलीविजन पे हो, पूरा इंडिया आपको देख रहा है, फिर कोई ऐसे बोलता ना चाहे लड़की हो या लड़का के बारे में कि तू, तो वो ना एकदम कैरेक्टर पे बात चल जाता, समझ रहे हैं। तो मेरा वो कहना था कि यार हम मस्ती कर रहे मजाक कर रहे, ये दुनिया देख रही है, और वो लोग अभी तक भी मेरे को वही बोलते कि मनीषा का मस्ती मजाक समझ में आता। मे बी अब हम ये नहीं बोलेंगे कि महान है, मेरे से गलती नहीं होता, शायद कभी कभी हम ओवर भी कर देते होंगे, बट आई नो इन फैक्ट कि हम सच में मस्ती मजाक ही कर रहे हैं फॉर एंटरटेनमेंट। बट जब उस पर लोग ऐसे आरोप लगा के बोल देगा कि तू, मेरे को ना वो बहुत बुरा लगा था। और फिर उस टाइम अभिषेक आया था स्टैंड लेने मेरे लिए, बोला ऐसे वैसे करके, वो वाला अभिषेक ने तुम्हारा स्टैंड बहुत लिया है। चलो मेरे पास डायर है कुछ, ठीक है। फ्लर्ट स्ट्रेट फॉर 1 मिनट विद मी इन बिहारी।
ओके रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये साले लोग ने, ये मैंने भी नहीं देखा। हाँ? ये मैं अब पढ़ रहा हूँ। आप तो खुश हो गए होंगे। आपको लगा जो भगवान वो किस्मत बदल गया। आज मनीषा रानी काटे पे आई है। अच्छा करना पड़ेगा ना। सुनिए ना, चलिएगा। चलिएगा कहाँ? वही दुनिया से दूर जहाँ कोई नहीं हो, बस हम और आप। फोन उन सबको छोड़, त्यागना पड़ेगा आपको। त्याग दूंगा। सुनिए ना, कोई ऐसा जगह है जहाँ पे कोई नहीं रहता और सिर्फ हम आप? तो चलेंगे, मगर थोड़ा बजट का मसला है थोड़ा सा। कोई नहीं, अभी हम कमाने लगे हैं, थोड़ा हम मैनेज कर लेंगे, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिए। 50-50 अभी तो हम 60 भी कर सकते हैं, बहुत छापड़े। पैसा ही पैसा हो गया। Till the next 1 minute, speak only in English. Yeah, I can talk in English, I can walk in English, I can do anything. Ask me. Oh. I love to speak in English. Okay, how is the weather today? The weather is as sexy as Manisha Rani. Oof. Oh. Oof, Manisha Rani English is killing all the people, guys! Nahi. Call any member of your family and tell them you are getting married. So, we call our didi. Okay? Hello? हाँ दीदी, कैसी हो? ठीक है, तुम बोलो। अभी मतलब इस महीने के लास्ट में हम लोग चर्च जाके, लड़का क्रिश्चियन है। भौंको, तुम लोग तो यार सीरियस ही नहीं लेती हमको। अच्छा ये बताओ, क्या रोज शादी करते हैं? क्या सीरियस वाला बात ही नहीं है? हम इतना सीरियस टॉपिक बोल रहे हो, तुम बोलती हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखो वो लड़का है मतलब अब्रॉड का, इंडिया में आया है, और उसके मम्मी पापा बहुत रईस फैमिली का, जो बात है सही बता रहे हैं, लेकिन वो बोला है कि मनीषा शादी कर लो, अपने फैमिली में अभी नहीं बताएंगे, लेकिन जब कर लेंगे तो बताएंगे। लड़का दीदी हाथ से नहीं जाना चाहिए, कसम से बहुत सही लड़का है। ऐसे तो तुम कभी जीवन में करने वाली नहीं हो, तुम मजाक कर रही तो आगे बोलो, तुम्हारी बात पे तो जीवन में शादी। कुछ भी ठीक है बहन, तुमको विश्वास है ना, रखो बाय, बाद में बात करते हैं। अरे बता देती ना, कोई नहीं। अरे तो बताने का रिएक्शन भी ले लेती थी। अब बढ़ते हैं हमारे रूमर्स में। हमने सुना है कि आपको कॉमेडी में भारती सिंह को कॉम्पिटिशन देना है। भारती दी मुझे लगता है इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फीमेल कॉमेडियन है, और उनको कोई अभी तक बीट नहीं किया, तो टॉप पे आती है और वो एक नंबर पे। आई थिंक हम उनको कॉम्पिटिशन ना दे पाए, बट अगर कभी उनकी तरह हम लोगों को इंटरटेन कर पाए 50% भी, तो वही हो गया। और मेरा कभी भी किसी से कॉम्पिटिशन नहीं होता, मेरा कॉम्पिटिशन खुद से ही है। क्या बात है? आपको सोशल मीडिया स्टार बनना था, इसलिए आपने मिस्टर फैसू को फॉलो किया? नहीं, देखिए मेरा मानना वही बोले ना कि अब नो डाउट जैसे आप हैं, और मेरे को ना वैसे लोगों से बहुत ज्यादा वो होता है, क्या बोलते हैं, कनेक्शन होता है मेरे इंग्लिश थोड़ा फिर लोग बोले हाँ कनेक्शन होता है वैसे लोगों से, क्योंकि आई नो योर जर्नी। अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, तो मेरे को ऐसे लोग को अच्छा लगता है। लेकिन जब कभी कोई निगेटिव बोलता है, तो मेरे सामने भी कभी कभी एक दो बार आपके बारे में कुछ बोला है, तो हम उसको यही बोले कि बाबू देखो जहाँ फैजू आज पहुँच गया ना, तुम वहाँ सोच ही सकते हो, कहने का मतलब। तो कभी मैंने किसी के बारे में कुछ ऐसे बोलना कि वो ऐसे ही पहुँच गया, ऐसे हर इंसान जो आज सक्सेसफुल है, चाहे वो फैजू हो या मनीषा रानी हो, तो वो अपनी मेहनत और किस्मत और कर्म की वजह से हुआ। 8 साल से घिस गया चप्पल। क्या बात है सर। एक मनीषा रानी है जो एल्विस भाई के आगे बोल सकती है, ये र्यूमर बहुत सही है। ये एकदम सही है। तो लेकिन एल्विस अंदर था जिसे सब डरते थे, और उसके सामने सबका बोलती बंद हो जाता था, लेकिन हम खुद जब बाहर निकले हैं और हम कितने रील्स में देखे कि एल्विस और हम ऐसे वो पंजे लड़ा रहे हैं, और लड़ाते लड़ाते वो शायद हार गया या हम उसको हरा दिए और फटाक से हम उसको एक थाप मार दिए, और वो ऐसे सौंक, तो हम तो मजाक मस्ती में ही करते ना, ऐसे कर देना वो कर देना, और वो ऐसे सौंक दी रह जाता, या फिर हम बहुत बार ऐसा कुछ बोल देते जो उसका मुंह बंद हो जाता है। देखो ना वही तो तुम्हारा यूएसपी है। देखो मेरा शो हो गया खत्म। हां वाओ, कैसा लगा? मजा आया। सो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिस्टर फैजू चैनल। थैंक यू मनीषा रानी। या अच्छा रानी का कॉन्सेप्ट क्या है? रानी का कॉन्सेप्ट ये कि मेरा बचपन से मेरा टाइटल ही रानी है, तो शायद मेरे माँ बाप को पहले से पता होगा मेरा बेटी रानी बनने वाली है, तो हम एक बात के लिए तो बहुत प्राउड और लकी फील करते हैं, मेरे पिताजी ने टाइटल ठीक बहुत रख दिया रानी। तो अभी भी क्या होता है कोई भी मेरे को मनीषा, तो अब मेरे को ना मनीषा रानी सुनने का आदत हो गया, क्योंकि रानी से ना थोड़ा रानी वाला फील भी आ जाता है ना। क्या बात है,
तो थैंक यू गाइस, प्लीज ऐसे ही प्यार कीजिए और मनीषा रानी को भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, लव यू करिए ना आप लोग, लव यू ऑल।